प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पार्टी प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए 2 और 3 अक्टूबर को होगी भाजपा व कांग्रेस चुनाव समितियों की बैठकें। दिव्यांग मतदाता ब्रेल लिपि के माध्यम से डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग ने जारी किया 1950 हेल्पलाइन नंबर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षा का परीक्षा पैटर्न बदलने संबंधी अधिसूचना की जारी। वार्षिक के बजाय अब 2 टर्म में होंगी परीक्षाएं। ऊना जिले में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 100 के पार। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व विधायक आशा कुमारी ने आगामी उपचुनाव में पार्टी की जीत का किया दावा। कहा, महंगाई व बेरोजगारी को इन उपचुनाव में कांग्रेस बनाएगी मुद्दा। कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव में 85,685 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। इस विधानसभा क्षेत्र में वोट डालने के लिए स्थापित किए गए हैं 141 मतदान केंद्र। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 161वीं बैठक शिमला में आयोजित। बैठक के दौरान कोरोना से प्रभावित ट्रांसपोर्ट क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र को मंदी से उबारने पर की गई चर्चा। सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में पिछले कुछ दिनों से डेंगू के मामलों में हो रही है बढ़ोतरी। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि इन इलाकों में समय समय पर डेंगू से बचाव के लिए उठाए जा रहे हैं एहतियाती कदम। मिस्र में 18 से 24 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली विश्व किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सोलन के रहने वाले आमिर साहिल देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। साहिल 65 किलो भार वर्ग में अपनी प्रतिभा का दिखाएंगे जौहर। प्रदेश भर के स्कूलों में आज लगी 9वीं और 11वीं की कक्षाएं। छात्रों ने कहा, नियमित स्कूल लगने से अब विषय संबंधी शंकाएं होंगी दूर।